लक ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अम्मा अले क्या छापा, अब किसी को पता तो नहीं लगना क्या ना, सब कुछ पता लग जाए, मेरा पता नहीं लगना चाहिए, मेरा कैसे पता लगा, मेरा घर काट दिया तुम लोगों ने, बंद करे फोन को, मेरी फैक्ट्री में छापा, मौलादात को कुछ नहीं होता, अस्मत परेशान है तो मैं भी मौलादात को बड़ी का बकरा बनेगा। हाँ अले मेरा भाई मेरा दोस्त मेरा मोहसिन, तुम जो हो ना सुबह आ जाओ, मौत और जिंदगी का सवाल है यार, आने का ले आने का। मैं भी देखेगा नहीं। वे यार कितनी बार तुझे मना किया, सुबह सुबह मुंह उठा के मत आया कर, पता नहीं बाप का घर मुंह उठा के चला था, पता नहीं क्या करूं। अरे कितनी बार कहा है कि तुम नींद के नशे में ना रहा करो, बकवास कर रहे हो बाबा। अरे साहब जी क्या हो गया, हालात इतने खराब चल रहे कि सुबह सुबह कचरा उठाने आ गए। अरे बाबा तुमने मेरे को कचरे वाला बोला, अभी मैं तुम्हें कचरे के साथ चाइना एक्सपोर्ट करता हूँ बाबा। इस बहाने चाइना तो देखने को मिलेगा ना, चल हट यहाँ से हटो। सुबह सुबह इतना गुस्सा, अब इसका क्या करूँगा। अरे बाबा सीमा, सीमा क्या है बच्चों, छुट्टी के दिन तो सोने दे। अरे बाबा मुझे वो पापा जानी की आवाज आ रही है। ख्वाब देखा होगा आपने। अरे नहीं बाबा ख्वाब नहीं है, अभी भी आ रही है बाबा मुझे आवाज, सुनो तो सही। हाँ बच्चों आ तो रही है, लेकिन ये कैसे आ गए बाबा, क्या मतलब? अब मेरा मतलब है अंकल के होते हुए ये कम आते हैं ना। हाँ बाबा ये अरे बाबा बाहर चल के देखते हैं, कोई झगड़ा वगड़ा ना हो रहा हो, चलो बाबा चलो। खैर मेरा महबूब है, मेरा मोहसिन है, मेरा जिगर है। हसमत साहब मौला दाद के जनाजे पे फूल ना बरसाएं, फूल बरसा रहे, देखो मना करो। मेरा भाई आ गया, बैठने का बैठने का बैठने का। अरे बाबा हसमत तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शुक्र है अभी तुम्हारी तबीयत ठीक करने का ना। अच्छा जी। अरे बाबा सही आप अचानक, इसका अपना घर है, जब मर्जी जाएगा जब मर्जी आएगा, जाएगा आएगा जाएगा। तुम कौन? अंकल आप अचानक कैसे? बाबा वो रात को अचानक हसमत ने मुझे फोन किया और जल्दी बुला लिया, कहला जल्दी आ जाओ एक अहम बात करनी है, जिंदगी और मौत का सवाल है बाबा। अच्छा जी एक दफा फिर बकरा बनाने का इरादा है मौला दाद। अरे बाबा जानी जाओ जाकर जरीना को बताओ के बाबा जानी आए। अच्छा बेहतर बेहतर जाओ जाओ बाबा। जानी मौला दाद साहब के लिए तुम जरा फ्रूट भी लाना जूस भी लाना। ठीक है ठीक। अरे बाबा ये आज सूरज कहाँ से निकला है? है वो अपनी मर्जी से निकला है। अच्छा अपनी मर्जी। मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, आप लोग शोर से आंख खुल गई। हाँ बाबा आप लोग बैठो हम मैं भी आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और सुना मेरा यार ठीक है ना? बाबा मैं भी फेंकू। <laughs>
या अल्लाह, ये दिन भी देख रहा था। शोहर को पागल करने की उम्र में बिचारी खुद कुंवारी पागल हो गई। और तुम भी ये दादा बनने की उम्र में ना आधी नेकर पे नेकर हमारे घर में नौकर बन के खड़े हुए हो। अच्छा ज्यादा बातें नहीं करो, जाओ बाहर। अब्बा साईं आए। बाबा साईं आए तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताया क्यों नहीं, वो आएंगे तो बताऊंगा ना। क्या बकवास है? बेबी जरा क्या, बेबी जरा हौसला रखिएगा बाहर जाके। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने? अरे हाँ ना बाबा, वो फिल्मों में होता है ना, हीरोइन अपने बाप से मिलने जाती है और डॉक्टर उसको कहता है कि तुम्हारे बाप को कैंसर हो गया है। देखो मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, डॉक्टर लगता हूँ, लेकिन तुम किसी एंगल से मुझे हीरोइन नहीं लग रही। क्या कहा तुमने? अरे भाई कोई ऐसी बात नहीं, बस बाहर जाके शौक में ना आ जाना। अच्छा आस्ते बात करो। चलो होश, होश। लेने का जानी मेरे दोस्त के लिए मटन का कबाब लाने का, कबाब गोल गोल। बाबा साईं आप क्या किसी बादशाह के मालिक बन गए हो? अरे बाबा बादशाह काम, यहाँ तो डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी सर, डेमोक्रेसी। वैसे गलत आपने भी नहीं कहा। कबाब किधर रह गया मौला दत्त का? मैं अभी ला देता हूँ, अभी लाता हूँ। लाओ लाओ जल्दी लाओ। बाबा साईं ये सब भला क्या है? अरे बाबा मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा बच्चू, अब डैडी को एहसास हो गया होगा कि अंकल बहुत अच्छे इंसान है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा? हाँ सही बोलने का जी, मेरे को वाकई ये एहसास हुआ, फील हुआ जा, फील। मौला दाद ने काफी अरसे उधार दूध दिया मेरी फैक्ट्री के लिए, जब भी लिया उधार लिया, इसीलिए हम सब कुछ मौला दाद के नाम करता जी। सब कुछ? सब कुछ, फैक्ट्री भी इसके नाम करता है। अब ये मुलाजिम ही नहीं, फैक्ट्री का मालिक है जी, मालिक। अरे बाबा सही, ले 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 ले, इन्होंने अपनी फैक्ट्री से किसी को एक लीटर दूध नहीं दिया बाबा, फैक्ट्री आपके नाम कर रहे हैं, कर ले बाबा, ले ले। मैं जाके देखता है जानी ने कबाब अब तक क्यों नहीं भेजा जी। किधर गया जानी? कबाब के लिए बोला लेके नहीं आया। दूध गर्म कर रहा होगा आपके लिए। अंडा फोड़ चिल्ला, बड़ा मजेदार निकला अंडा फोड़ चिल्ला। आप कौन? मैं खादिम जी। सर जी ये मुलाजिम लगता है, हमें तो मालिक को पकड़ना था ना। चुप कर। आप कौन? मैं मुलाजिम जी। साहब अंदर ने जी। अंदर? किस जुर्म में? अभी भी घर के अंदर ही है। आप कौन? हम इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आए हैं, पिछले साल जो आपकी कंपनी को नुकसान हुआ था उसके पैसे देने आए। तो अंदर जाने का ना, अंदर जाने का। मैंने कभी घाटे का सौदा नहीं किया, बेवकूफ समझते हैं हमको, बात करता है। साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये जो दो लोग अंदर गए ये कौन है? कांडी दल्ला। काटेंगे तो नहीं ना? मैं कुत्ता है, नहीं काटेगा। फिकर ना करें आप। ऐसा फंसाऊंगा निकल ही नहीं पाएंगे। अब देखिए मेरा काम। ठीक है आइए 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 आइए। अरे जानी बाबा फैक्ट्री का मालिक बनने का मजा ही कुछ और। देखा कितने बड़े आदमी हैं। इसीलिए तो यहाँ आए हम। जहाँ पर ना दो फरियादी आए। अरे कहो बाबा क्या फरियाद है बाबा? जो पिछले साल आपकी फैक्ट्री में नुकसान हुआ था उसी सिलसिले में आए आपके पास। अरे बाबा क्या करने आए हो? घबराए नहीं, हम आपका हर्जाना अदा करने आए हैं, जितना भी हुआ हो, 10-15-20 करोड़। 20 करोड़? अब बस ये पता करना था कि हशमत मिल्क फैक्ट्री के ऑनर आप ही हैं ना? अरे बाबा हमारे अलावा और हो कौन सकता है। कैसा चल रहा है बिजनेस? कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बाबा मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। क्या मतलब?
मतलब ये कि सुसर जी ने आज से पहले तो इतनी शफकत नहीं दिखाई बाबा साईं के लिए, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे को भी ये बात बहुत खटक रही है। क्या रही है? आड़े खटक रही है। बाबा ठीक रही है बाबा। और हाँ, मुझे लगता है अपनी कोई मुसीबत जो है ना वो बाबा साईं के गले में डाल रहे हैं। तो मानो ना मानो इस बात में जानी भी मिला हुआ है। हाँ बाबा बिल्कुल सही कहा, हमें जानी पे ना नजर रखनी पड़े। अदा तुम उसको नौकर बना के रखो। ठीक है बाबा, देखना तुम भी देखना, मैं भी नोट करता हूँ। ठीक है। अरे साहब टेंशन की कोई बात ही नहीं है, दूध में मिलावट के जुर्म में लंबा अंदर जाएगा आपका अजीज ये मौला दाद। अरे साहब आप बस वहीं छुपे रहे, बिल्कुल फिकर ना करें आप। ये जो दो अफसर आए हैं ना, इनको तकरीबन पूरा यकीन हो गया कि मौला दाद ही जो है ना इस फैक्ट्री का मालिक है। 10 साल तो पक्की है मेरे ख्याल से। ठीक है ओके ओके, अल्लाह हाफिज। नहीं भाई मजा आ रहा है। मेरा शक सही निकला है बाबा, ये तो खतरनाक बात है। देखो बाबा अब मैं करता क्या हूं। हाँ साहब, आप जैसे नौकर बने हुए ना बस वैसे ही बने रहिएगा घर में। हाँ बाबा, वो आपका वफादार मुलाजिम है ना बरसों पुराना मौला दाद, वो आपकी जगह मालिक बनने का ड्रामा कर रहा है। हाँ बाबा, आप बस ऐसे नौकर बन के छुपे रहिएगा बाबा, किसी को पता नहीं चले। हाँ बाबा, वो जो अब मैंने कहा ना जैसे आपने नौकर बन के रहना वैसे रहिएगा बाबा। वो जो दो आए हुए ना बाबा इंस्पेक्टर लोग बाबा, मुझे बहुत खतरनाक लगते हैं। हाँ बाबा देखिएगा बाबा जरा, हाँ ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है। नौकर बने हुए हैं, इसका मतलब जो आदमी हमको अंदर लेकर आया वही असली मालिक है। लगता तो ऐसा ही है। अच्छा हुआ गलत फहमी नहीं हुई, वरना इस बार भी प्रमोशन मारी जाती। बाबा साई। हाँ बाबा। अरे बाबा साई काटे मना, मतलब किधर जा रहे हो? क्या हो गया है बाबा? बाबा ये कुछ पेपर्स हैं जो इंश्योरेंस वालों को देने जा रहा हूँ। पेपर वाला? कौन सी पेपर? अरे बाबा वो फैक्ट्री का मालिक बनने जा रहा हूँ ना, जानी ने मुझे दिए हैं और 20 करोड़ रुपए भी मुझे मिलेंगे। 20 करोड़ नहीं, 20 साल जेल मिलेगी। है? क्या मतलब? अच्छा मतलब हशमत जो है मुझे फंसाना चाह रहा है? अभी मैं अफसर को बताता हूँ जाके। अरे बाबा साहब मेरी बात सुने, देखे इस जानी को सबक सिखाना है, बस मैं जैसे आपको कहती हूँ आप बिल्कुल वैसे करें, फिर अपन दोनों देख लेंगे ना लोगों को। मैं अभी अफसर को बताता हूँ। बताओ। जानी के बच्चे सारी जिंदगी तुम्हारे घर में बैठ के खा और तू हमारे साथ ही बगावत कर। कर रहा हूँ। बहुत ही शातिर आदमी है, बचत हो गई अपनी, अच्छा हुआ अपनी अक्ल काम कर गई। बोला दाद। अरे बाबा आओ तो सही, आ जाओ इधर आओ, इधर आओ। आया 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 बीबी, आया। बैठो बैठो। हाँ बैठ गया बीबी। देखो मौला दात, वो अफसरान साहब को बता दो कि जानी साहब जो है ना वो ही असल मालिक है, तुम उनके खानदानी नौकर हो, नौकर नौकर होने का फर्ज अदा कर रहे हो। बीबी बात तो तुम सही कह रही हो, वैसे ही ये दोनों अफसरान बड़े शातिर हैं। बाबा तुम तो ये जाम से बांट की तरह एकदम से आ गए। देखिए हम जानते हैं कि आप असली मालिक नहीं है, असली मालिक जानी है, मगर उसको शक नहीं होना चाहिए। उनको बिल्कुल भी शक होगा ही नहीं। अरे बाबा मैं बताती हूँ ना कि आप लोगों को क्या करना है, जैसा मैं बताऊंगी वैसा ही कर। क्या क्या ले? हाँ ठीक है बताऊं? हाँ उधर। जी जी आप सर 20 करोड़ का चेक बनवा दें,
पार्टी जेन्युइन है। सर मैं आपको एड्रेस भिजवा रहा हूँ, आप चेक इसी एड्रेस पे भिजवा दें। थैंक यू, थैंक यू। अरे ये तो वाकई इंश्योरेंस वाला निकला। हाय हाय हाय, और मुझे लगता है कोई हशमत साहब को कोई गलत फहमी हो गई है। अरे सारे पैसे अगर मौलादात को मिल गए तो हमारा क्या होगा? मैं कोशिश करता हूँ हशमत साहब को सारे पैसे दिलवा दूँ, 1 से 1.5 करोड़ तो मेरा भी बन जाएगा ना। मेरा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा समझा दिया ना अच्छे तरीके से? ऐसा समझाया कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। बाबा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो बाबा सही किधर है? अरे बाबा मैं इधर हूँ, तुम्हारे सुसर ने तो मेरे मरने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं जानी को छोड़ूंगा नहीं बाबा। लो भलाई समय जाने का क्या कसूर है, सारा कुछ तो तुम्हारे ससुर का किया था रहे। बाबा वो सुना के पापा जानी है ना, उनको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाबा जानी को मैं नहीं छोड़ूंगा, आप परेशान ना हो। छोड़ना नहीं उसे। हाँ बाबा फिक्र नहीं करो, अब देखो मैं करता क्या। अरे सेठ साहब डरने की कोई जरूरत नहीं, अब आपके दरमियान और करोड़ों रुपए में बस चंद कदमों का फासला रह गया। अंदर चलते हैं, मुलाजमीन की बदौलत माला माल होते हैं। वो कहाँ है? अंदर। अच्छा हाँ? लेकिन अंदर मेरे को कुछ गड़बड़े लगते होंगे। एक तो डरते बहुत हैं आप, मैं हूँ ना आपके साथ। चले आए आए, उठे 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 उठे, 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 उठे। चले पकड़ता हूँ आपको। बिस्मिल्लाह रहमान, चले। लहर को लगता है कि यह कोई नहीं है। अरे मुलाजिमो जाओ अपने मालिक को बुलाओ। थोड़ा कंफ्यूजन मालिक के नौकर का, थोड़ा कंफ्यूजन है। दरअसल वो दरअसल बाबा मालिक आ रहे। लो जी मालिक आ गए बाबा। गाय का मालिक? ये दूध वाला? माय बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक जी, ओनर ओनर। अरे हाँ बाबा होता है होता है, अक्सर मुलाजिमों को ऐसा महसूस होता है। और नहीं तो क्या बाबा, ये असल मालिक है फैक्ट्री के। जी जी यही है मालिक, सेठ हशमत। पर इन्होंने कहा था कि ये कोई और है, मालिक तो अंदर है। मजाक समझ रहे का? मैं ऐसा जोक किया ना, जोक। लेकिन पापा आपने ऐसा मजाक क्यों किया? ओनली फॉर जोक। इसका मतलब है ये असल मालिक नहीं है? ओ ना जी ना, ये तो कोई छोटे मोटे बाड़े के मोटे से मालिक हैं, कोई हैसियत ही नहीं है इनकी। हाँ। बाबा ये सही कह रहे हैं ना, असल मालिक तो यही है, हम सबके हमारे मालिक सेठ हशमत है। देखा जी करोड़ों रुपए का जो मालिक होता है उसका पावर देखा ना, पावर। मैं तो कह रहा हूँ बस पैसे ले ले। हाँ। मेरा चेक देने का जी, चेक देने का, देने का तो देने का। ये क्या? ये आप इस पे साइन कर दें। करोड़ों का मामला है, साइन तो करना पड़ेगा जी। लेकिन हशमत साहब पढ़ तो लेते। इसको पढ़ा रहने दो बस, जा भी है छोड़ दो। इसमें सिर्फ यही लिखा है कि हशमत मिल्क फैक्ट्री के मालिक यही है। हाँ तो सही है ना? और ये सब कारोबार इनका है तो? हाँ तो सही है ना जी। और यहाँ के सब मामलात की जिम्मेदारी इनकी है। सही है ना जी। और इनकी दूध की फैक्ट्री में जो मिलावट और फैक्ट्री में फ्रॉड हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी सेठ हशमत और इनके मुलाजिम जानी पर है। सही है ना जी? सही नहीं है जी। ये क्या है जी? आप तो हमारा चेक देने वाले थे ना? हम इंश्योरेंस वाले नहीं है। क्या, क्या? हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से। मैडम खबर ही कुछ ऐसी है, आप सुनेंगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। बाबा वापस कब आएंगे? क्या बाबा होश? तूने ये तो बताया नहीं कि तुझे खजाना मिल गया तो तू करेगा क्या उसका? अरे बाबा करना क्या है, पूरी दुनिया को बाबा बाड़ा बना दूंगा, हर तरफ पैसे ही पैसे होंगे। अरे बाबा साहब मेरे को बता दे, मेरे को राज की बात सुनने में बहुत मजा आता है। अरे बाबा बता दूंगा, बस एक मरतबा काम हो जाने दो ना।
बाबा साई आप तो सस्पेंस में डाल रहे हैं हम सबको। मैं बिस्तर पर आराम कर रहा हूँ बाबा। चादर बिछी हुई है, चादर बिछा के मतलब कागज बिछा के आराम करेंगे क्या? देखो ज्यादा सवाल मत करो बाबा। जांग में कुछ काला लग रहा है, बल्कि मुझे पूरी दाल ही काली लग रही है। पागल हो गया तू? ये बिस्किट तुमको दाल नजर आ रही है क्या? अरे बाबा जानी, हमने जब सोना होगा सो जाएंगे, आप जाकर आराम करें। बाबा वैसे तो तुम लोगों की मर्जी है, देखो वैसे जल्दी सोने और जल्दी सुबह उठने से सेहत अच्छी रहती है। वाह वाह वाह, क्या ख्यालात है, कितनी फिक्र है आपको। थोड़ी सी गैस हो रही थी तो मैं इसलिए टहल रहा था ना बाबा। ये जो हो रही है सॉलिड लिक्विड गैस, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही। क्या मतलब है तुम्हारा? अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए।